गुड मॉर्निंग एवरीवन जस्ट दस्त मिनट या पे वे तिवारी मोटो वर्ड ये पता नहीं कैसा नाम है शिव शंकर जय जय चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैं थोड़ा सा से सेट से करना पड़ता है मेरे को पता नहीं है चलो शुभम हम घोष राधे राधे भैया ना? तो मेरे को ये बताओ वीडियो और ऑडियो बिल्कुल क्लियर है ना <laughs> रेक्स में ना मोटवर्ड मैंने सुनता रेक्स सुना रेक्स सुना एक सोप आता था पहले रेक्स सुना है क्या <laughs> अच्छा आ. रेक्सोना सो पाता था पहले मैंने रेक्सोना <laughs> चलो चलो तो कहानी को शुरू करते हैं भाई ये फास्ट ट्रैक कोर्स दे हमने अभी तक क्या क्या रिवाइज कर लिया हमने अभी तक क्या क्या रिवाइज कर लिया देखो हमने फेस डायग्राम के बारे में बात कर ली हमने फेस डायग्राम्स के बारे में बात कर ली आयरन कार्बन सिस्टम के बारे में बात कर ली Then, <laughs> ये ना, ए, आ, मुझे क्या के, भाई आई मीन लिटिल कन्वेंशनल टाइप ऑफ टीचर पिछले चौबीस साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं उनका भला चाहता हूं मैं पर आजकल मेरे जो स्टूडेंट हैं जो भी अच्छे अच्छे टीचर हैं वो भी वो नहीं सर आजकल का जमाना यूट्यूबर का है आपको यूट्यूब पर कुछ प्रेजेंस होनी चाहिए और उल्टे सीधे काम करने चाहिए <laughs> उससे विजिबिलिटी बनती है ये चीज अभी तक मेरी समझ में नहीं आई है एक्चुअली यहां पे घूमो वहां पे घूमो साइंटिस्ट टर्न यूट्यूबर मेरे एक स्टूडेंट ने बोला सर आप साइंटिस्ट यू शुड बिकम साइंटिस्ट टर्न मैंने कहा नहीं नहीं भाई मेरे बस की बात नहीं है let me be teacher. <laughs> Then, uh, हमने देखा टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ठीक है ना फिर हमने stress, के बारे में डिस्कशन किया और उसके हमने कुछ क्वेश्चन किए थे ठीक है ना <laughs> हम टीचर है चलिए <laughs> ओके okay. और देखो कुछ बच्चे हमारे यहाँ पर जो लाइव हैं जो सुपर 1500 में भी ये क्वेश्चन कराया था ना जो गेट में फ्रीक्वेंटली जैसे क्वेश्चन आते हैं स्प्रिंग बैक के उसे जरूर कर देना अब मेरे ख्याल से मैं सोच रहा हूँ उसकी क्लिपिंग निकाल के उसमें टेलीग्राम चैनल में डलवा देता हूँ मैं इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो मैंने बनाया था देखो हम आज क्या करने वाले हैं आज हम बहुत कुछ करने वाले हैं हम हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट एंड सम कंसेप्ट ऑफ हार्डनेबिलिटी सम कंसेप्ट ऑफ हार्डनेबिलिटी ठीक है तो ये हमारा टारगेट है एक बच्चा ना कल मेरे पर्सनल टेलीग्राम विंडो में एक मैसेज लिखता है कि सर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं मैंने कहा भाई देखो ऐसा है अब ये फास्ट ट्रैक कोर्स देख लो इसमें सिर्फ इंपोर्टेंट टॉपिक्स ही करा रहा हूं मैं सिलेबस तो हमने रेगुलर बेच में करा दिया है इसमें सिर्फ इंपोर्टेंट टॉपिक करा रहा हूं ठीक है ना हाँ <laughs> भाई देखो रिसर्च एक स्टेप आगे है मैं क्या कर रहा हूं आपको ना आपके प्राइवेट कॉलेजेस वालों ने बहुत नाइंसाफी की है आपके साथ रेगुलर बैच में भी बोला unless, आप, IITs, आप आप, और बिट्स हैं आपके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है कुछ लोगों ने कुछ छोटी को, को, कोचिंग जो ना ज्वाइन किया उन्होंने नाइंसाफी किया कुछ पढ़ाया नहीं आपको तो मैं आपका लेवल ऊपर कर रहा हूं जिससे कि सिलेक्शन हो सके हो सके रिसर्च के लिए आपको थोड़ा सा और ऊपर लेवल ऊपर करवाऊंगा मैं अगर रिसर्च कराना चाहेंगे तो आप <laughs> ठीक है ना रिसर्च के लिए थोड़ा और लेवल ऊपर कराऊंगा आपका बात अगर आप की तो चलो ये शुरुआत कहां से होती है हीट ट्रीटमेंट की टी 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 डायग्राम से टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन कर टी 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 डायग्राम के हीट ट्रीटमेंट का हार्ट ही टी 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 डायग्राम है ठीक है तो देखो टीटी टी इसके ज्यादा डिटेल में कंस्ट्रक्शन में नहीं जाएंगे वो हमारे रेगुलर बैच का स्टफ है यहां पर डायरेक्टली टी 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 डायग्राम पे आते हैं कुछ बच्चे पुराने हैं कहेंगे सर कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ये बता दीजिए नहीं नहीं वो तो क्लास में देखो आप उसमें डेढ़ दो घंटे मैंने यही डिस्कस किया कि कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ इसके नीति-ग्रिटी डिटेल्स क्या यहां पर यहाँ पे ये फास्ट ट्रैक कोर्स है इसमें सिर्फ वही चीज देखेंगे भैया आ गया अगर एग्जाम में आ गया वही चीज आगे फंडामेंटल डिस्कस कर रहा हूं मैं ठीक है ना तो टेंपरेचर वर्सेस टाइम है ना और सेवन ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको बच्चे लोगों कल ही कल इनफैक्ट कल ही बताना चाहता था मैं देखो इसरो की डेट आ गई है इसरो को भी उतना ही सीरियसली लेना है आपको जितना गेट को लेना है इसरो इज अ वेरी गुड जॉब आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं इसरो हो गया डीआरडीओ हो, हो गया ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं कि आपको लगेगा आप देश के लिए कुछ कर रहे हो और इट्स अ वेरी गुड पंद्रह दिन पहले मैं था ना उसमें इसरो कैंपस में था वहां पे आ, केरला में इट्स अ वेरी गुड कैंपस ऑन सी बीच इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपस तो जिस एंथुजियाजम से आप गेट की तैयारी कर रहे हैं उसी एंथुजियाजम से आप इसरो की तैयारी करो और कोई प्रोडक्शन में और इंडस्ट्रियल में कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम चैनल है ना मैं रात को मैं सो जाता हूं क्लास के बाद मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम बारह बजे तक कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आई विल बी हैप्पी टू आंसर वॉइस रिकॉर्ड करके मेरे लिए रहता है एंड आई विल विल बी बी आई हैप्पी टू सपोर्ट यू तो प्लीज इसरो भी ठीक से देना है ठीक है ना उसमें हो गया तो बहुत अच्छा लगेगा आपके आपको आपके पेरेंट्स को और हमें तो देखो ये टी 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 डाय ना इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये मेरा आयरन कार्बन फेस डायग्राम जो था जो आयरन कार्बन जो फेस डायग्राम था ये कुछ ऐसे था टेम्परेचर परसेंटेज कार्बन ठीक है ना ये डायग्राम कुछ ऐसे था और यहां पे ऑस्टोनाइट है एल्फा यहां पे एल्फा प्लस एफ थ्री सी और ये है 725 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है ना <laughs> प्रोफेसर बेन स्टूडेंट हो पांडे जी आप ऐसी तो परंपरा चलती है तो देखो इसमें अब रिवीजन करो पांडे जी अब रिवीजन करो यहां पे ठीक है अगर इस आयरन कार्बन डायग्राम को देखेंगे तो 725 से नीचे ऑस्टेनाइट तो स्टेबल है ही नहीं 725 से नीचे तो ऑस्टेनाइट स्टेबल है ही नहीं ये ऑस्टेनाइट है ना तो बेन ने क्या किया था बेन जो साइंटिस्ट जिसने ये डायग्राम ईजाद किया था उसने ऑस्टेनाइट को लिया और क्वेंच किया टू डिफरेंट टेम्परेचर उसने क्या किया क्वेंच क्वेंच का मतलब रैपिड कूलिंग क्वेंचिंग मतलब रैपिड कूलिंग तो उसने क्या किया ऑस्टेनाइट को अलग अलग टेम्परेचर पे क्वेंच किया कब कुछ सात सौ कुछ छ सौ यानी जो टेम्परेचर थे वो सेवन ट्वेंटी फाइव से नीचे थे तो क्वेंचिंग करने के बाद क्वेंचिंग करने के बाद कितने समय तक क्वेंचिंग करने के बाद कितने समय तक ऑस्टनाइट का माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ उसको बोलते हैं हम इनक्यूबेशन पीरियड मतलब जब आपने क्वेंच किया ना कुछ समय तक कुछ समय मतलब घंटों भी हो जाता है कभी कभी घंटे और दिन भी हो जाता है ऑस्टनाइट uh, का माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ तो इसका डायग्राम को जो प्लॉट करेंगे वो क्या कर ऐसे डायग्राम होगा ठीक है ना ऐसे डायग्राम होगा तो जब आपने क्वेंच किया तो देखो अगर इस टेम्परेचर पर क्वेंच किया तो इतने पीरियड तक माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ इस सारे रीजन में ऑस्टोनाइट ही है अगर आपने क्वेंच इस टेम्परेचर पे किया इतने पीरियड तक ऑस्टोनाइट का माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ इस टेम्परेचर किया तो इतने पीरियड तक ऑस्टोनाइट का माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ और उस पीरियड के बाद डिकम्पोजिशन शुरू होता है ठीक है यहां पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आपको यह याद रखना है ये जो नोज है ना यह आता है साढ़े पांच सौ डिग्री सेंटीग्रेड और टाइम पे इट इज वन सेकेंड इफ इट इज एक्ट कंपोजिशन इफ इट इज अक्टॉइट कंपोजिशन अगर ये कंपोजिशन है तो और इस लाइन को बोलते हैं मार्टन साइट स्टार्ट लाइन वो होती है अराउंड टू ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड और इसको बोलते हैं मार्टन फिनिश लाइन और वो होती है हंड्रेड टेन डिग्री सेंटीग्रेड एक दो एक क्वेश्चन है किसी बच्ची का क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा इसको समझाने के बाद बताऊंगा मैं ठीक है ना एक बच्ची का क्वेश्चन है प्रीति ठीक है ये आपका टी 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 डायग्राम है इसकी कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स में आप फास्ट ट्रैक कोर्स में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मिनिमम टाइम वी वांट टू गिव यू मैक्सिमम ओके जो पहली लाइन है ना ये जो पहली लाइन है इट इज अ स्टार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ये और ये वाली लाइन जो है इट इज अ फिनिश ऑफ डिकम्पोजिशन फिनिश ऑफ डिकम्पोजिशन ठीक है और ये नोज इसको बोलते हैं नोज नोज के ऊपर वाला रीजन होता है पैरालाइट का और नोज के नीचे वाला रीजन होता है बेनाइट का और ये वाला रीजन है आपका मार्टनसाइट का एमएस मींस मार्टेनसाइट स्टार्ट एमएस मींस मार्टनसाइट फिनिश ये ऑस्टेनाइट का स्टार्ट डिकम्पोजिशन ये फिनिश डिकम्पोजिशन ठीक है टाइम टेम्परेचर कर पे आप जो भी लाइन खींचेंगे टाइम टेम्परेचर कर पे आप जो भी लाइन खींचेंगे स्लोप ऑफ दैट लाइन विल टेल यू कूलिंग रेट उस लाइन का जो स्लोप है ना वो बताएगा कूलिंग रेट जो स्लोप है ना उसका बताएगा कूलिंग रेट ठीक है आपने अगर ऐसी लाइन खींची भाई देखो बच्चे लोगों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गेट 2024 में एक क्वेश्चन आएगा हीट ट्रीटमेंट से मुझे ऐसा लग रहा है एक्चुअली टन हो रहा है मेरा क्वेश्चन जरूर आएगा हंड्रेड परसेंट आएगा ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है <laughs> आपने देखो अगर एक ऐसी लाइन खींची आपने अगर एक ऐसी लाइन खींची दैट इट जस्ट टच इज द नोस ऑफ टी 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 डायग्राम दैट इट जस्ट टच इज द नोस ऑफ टी 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 डायग्राम इसको बोलते हैं क्रिटिकल कूलिंग रेट क्रिटिकल कूलिंग रेट कभी कभी एग्जाम सीसीआर सीसीआर क्रिटिकल कूलिंग रेट तो क्रिटिकल कूलिंग रेट कितना होगा देखो ये 725 है ना कम से कम 750 फिफ्टी स्टार्टिंग टेम्परेचर होगा तो अगर ये लाइन नोज को टच करेगी तो 750 से 550 एक सेकंड में आ जाना चाहिए, है कि नहीं? नोज़ 550 पे है, स्टार्टिंग टेम्परेचर इज 750 और ये इतना ड्रॉप एक सेकंड में होना चाहिए, तो क्रिटिकल कूलिंग रेट विल बी 750 माइनस 550 डिवाइड बाय वन, अप्रोक्सीमेटली 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकंड। अगर ऑस्टेनाइट को इस रेट से कूल cool करते हैं, कूलिंग कर टी 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 डायग्राम के नोज से टच करेगा और इस कूलिंग रेट को बोलते हैं हम क्रिटिकल कूलिंग रेट इस कूलिंग रेट को हम बोलते हैं क्रिटिकल कूलिंग रेट टी 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 डायग्राम पे मैंने कोई भी लाइन प्लॉट की यह लाइन कूलिंग रेट बताती है कोई भी लाइन मैंने प्लॉट की वो लाइन कूलिंग रेट बताती है अब देखो ये क्रिटिकल कूलिंग रेट है अगर कूलिंग रेट बढ़ा रहा हूं मतलब इधर आ रहा हूं मैं कूलिंग रेट घटा रहा हूं मतलब इधर जा रहा हूं घटता हुआ कूलिंग रेट बढ़ता हुआ कूलिंग रेट ठीक है अगर आपका कूलिंग रेट क्रिटिकल कूलिंग रेट के बराबर या ज्यादा है अगर आपका कूलिंग रेट क्रिटिकल कूलिंग रेट के बराबर या ज्यादा है ऑस्टनाइट मार्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑस्टनाइट मार्टेनाइट में कन्वर्ट होगा ये मार्टेनाइट जो है बैठा ना ये आयरन का पांचवा फेस है मार्टनसाइड जो है आयरन का पांचवा फेस है और इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है बॉडी सेंटर टेट्रागोनल बॉडी सेंटर टेट्रागोनल एंड इट इज द हार्डेस्ट हार्डेस्ट एंड मोस्ट ब्रिटिल फेस ऑफ आयरन हार्डेस्ट and most brittle phase of iron ok this martensite many authors na, like deiter evner and all these people they call this martensite as a metastable phase. meta स्टेबल फेस पता है इसको मेटा स्टेबल फेस क्यों इसको मेटा स्टेबल फेस क्या बोलते हैं सर चीयर्स विद वाटर इसको मेटा स्टेबल फेस क्या बोलते हैं बिकॉज सूनर और लेटर नर और लेटर दिस माइक्रोस्ट्रक्चर विल कन्वर्ट इंटू सम अदर माइक्रोस्ट्रक्चर या तो कुछ घंटों और कभी कभी कुछ साल कुछ सालों के बाद सुनर और लेटर इट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इन टू समर माइक्रोस्ट्रक्चर हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट गारंटी जी गारंटी जी सब मिले हुए हैं इसलिए इसे हम बोलते हैं मै स्टेबल फेस समझ गए ब्रह्मानंदम गुड मॉर्निंग और ये प्रीति बेटी का क्वेश्चन आता हैं ये याद कैसे रखें वो भी बताओ एंड क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी बताओ प्लीज देखो ऐसा है गेट में कभी भी रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आया करते ये देखो अगर प्रीति अगर ये ना प्रीत नहीं प्रीत है प्रीति नहीं है प्रीत बैंद्रे पता नहीं ये लड़का है लड़की है पता नहीं प्रीति तो लड़की लड़की का नाम है अगर ये पांच छह महीने पहले पूछते तो मेरी अप्रोच कुछ और होती है क्योंकि अब सिर्फ दो महीने बचे हैं अब पता है क्या करूंगा आपको मैं क्वेश्चंस करो नए नए करो जो फास्ट ट्रैक कोर्स है ना Uh, कम से कम इन टॉपिक्स के फंडामेंटल डेवलप करो अब दो महीने की अप्रोच ये रहेगी अगर आप गेट 2024 थाउजेंड फाइव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फंडामेंटल जो हम टीचर पढ़ाते हैं उस पर तो फोकस करो क्वेश्चन हमेशा रटे नहीं जाते फंडामेंटल समझ के निकाले जाते दैट इज द विनिंग कैंडिडेट ब्रह्मानंदम तो मार्टेन साइट इज ए मेटा स्टेबल फेस ठीक है ना तो ये था हमारा टी 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 डायग्राम ठीक है फाइव ये क्या होता है अच्छा लड़का हूं <laughs> लड़का है भैया प्रीत लग रहा है पंजाब का लड़का है चलिए <laughs> चलो ये बैनर बताता हूँ रुक जा अभी क्या बताता हूँ मैं <laughs> बताता हूँ रुक जा रुक जाओ रुक जाओ <laughs> देखो ये टी 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 है ठीक है ना अगर आपका कूलिंग रेट क्रिटिकल कूलिंग रेट के बराबर या ज्यादा है आपको मार्टना शाट मिलेगा है? ये प्रीत जो है ना प्रीत और हाईली अब वर्ड इन दिस वर्ल्ड प्राइमरली पीपुल से मेल फीमेल अट्रैक्शन कॉल इट्स नॉट लव इट्स अ लस्ट ट्रू लव एग्जिस्ट ओनली विद रेस्ट एवरीथिंग इज लस्ट ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ लव दिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज द लव ऑफ पेरेंट्स टू द चाइल्ड दट इट तो लव इज हाइली अब लव करेक्ट ना चलो आगे चलते हैं चलो 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 आगे चलते हैं अगर देखो मेरा कूलिंग रेट स्लो है तो स्लो कूलिंग रेट मतलब यहां से ड अप इन द अपर रीजन ऑफ टी 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 डायर यू विल गैट कोर्स पैरालाइट अगर कूलिंग करो मेरा ऐसे है वी विल गेट कोर्स पैरालाइट आर के इसको किसी ने धोखा दे दिया लग रहा है इसलिए एग्री है बट मैं जो बोल रहा हूं बिकॉज आई रीड शास्त्र एवरी डे पर आरके को किसी ने धोखा दे दिया है इसलिए उसको डिटेचमेंट आ गया है <laughs> अगर मैं स्लोली कूल करूंगा सो आई विल लैंड अप इन द अपर रीजन ऑफ टी 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 गेट कोर्स पैरालाइट क्योंकि नोज से ऊपर तो पैरा का रीजन है <laughs> अगर मैंने कूलिंग रेट को थोड़ा फास्ट किया आई विल गेट फाइन पैरा ट फाइन पैर लाइट बिल्कुल सही बोला ना मैंने एक क्वेश्चन आ गया प्रीत का सर मेरा हो कैसे रहा है आई ट्राई टू कवर बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने वीडियो बनाया था ना प्रोडक्शन में बाकी चीजों में इंपोर्टेंट मारो दो महीने इम्पोर्टेंट को बार बार देखो एक चीज और बताता हूँ सब बच्चों को क्योंकि इसमें हमारे रेगुलर बच्चे नहीं है नए लोग भी हैं एक चीज जरूर देखो भाई बच्चे लोगो जो भी पढ़ रहे हो उसे लिखो लिखो जैसे आप 10-15 मिनट पढ़ो चीजों को चाहे तो थ्योरी है चाहे न्यूमेरिकल है उसके बाद बंद करके लिखना लिखो थोड़ा सा आपने क्या समझा उससे आपको बहुत याद रहेगा और कॉन्फिडेंस आएगा ये टेस्ट चीज है बेटा मजाक मन समझना रहा। समझना ऐसे कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ो पंद्रह मिनट पढ़ो बंद करो किताब को और रफ में लिखो इससे आपने क्या समझा ऐसे करो ठीक है ना हाँ। आर के बाद में बात करते हैं इसलिए है? हाँ लिखना है चलो जैसे आ, अगर मेरा कूलिंग रेट ऐसे हो तो देखो यहां भी मेरे को पैराल मिलेगा पता है क्यों कुछ लग बोलते हैं अरे मार्टन सेट आ गया टी 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 डायग्राम पे जो भी लाइन है टी डायग्राम पे जो भी लाइन है ये लाइन दीज लाइंस आर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑस्थेनाइट इनटू सम अदर माइक्रोस्ट्रक्चर टी डायग्राम पे जो लाइन है ना दीज लाइंस आर फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑस्थेनाइट इनटू सम अदर माइक्रोस्ट्रक्चर अगर एक बार ऑस्टेनाइट डिकम्पोज हो गया अगर एक बार ऑस्टेनाइट डिकम्पोज हो गया फिर वो रीडिकम्पोज नहीं करता फिर वो रीडिकम्पोज नहीं करता तो यहां पे देखो ये नोज से ऊपर पैरालाइट का रीजन था तो हम पैरालाइट के रीजन में घुसे तो यहां पे 100 परसेंट पैरालाइट बन गया ना तो फिर पैरालाइट ही रहेगा यहां पे क्यों एक बार ऑस्थनाइट से पैरालाइट में कन्वर्जन हुआ दोबारा से फिर रीकन्वर्जन नहीं होगा रीकन्वर्जन नहीं होगा ठीक है नाउ नाउ ये बेनाइट कैसे बनेगा ये बेनाइट कैसे बनेगा ऑस्टोनाइट को क्वेंच करो बिलो द नोज बट एब स्टार्ट लाइन और इस टेम्परेचर को मेंटेन करो मेंटेन दिस टेम्परेचर फॉर सफिशियंट पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन दिस टेम्परेचर और आप ये भी बोल सकते हो आइसोथर्मल हीटिंग मतलब टेम्परेचर को भट्टी में ही रखो इसे मेंटेन दैट टेम्परेचर टिल कर्व एंटर इन टू टी टी तब आपको बैनेट बनेगा तब आपको बैनाट बनेगा <laughs> अब कुछ बच्चे अरे प्रीत ने कुछ पूछ दिया क्या डर किसी इसरो के क्वेश्चन का डर लग रहा था स्टार्टेड सॉल्विंग पी बाई क्यू प्रीत हमारे इसरो के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं हमने YouTube पे फ्री है मेरे ख्याल से देखो जरा मैंने तीन चार सौ लेक्चर मैंने ही लिए कुछ बच्चे बोलते हैं सर बैनाट का स्ट्रक्चर कैसे होता है <coughs> देखिए पैरालाइट जो है आपको मालूम है अल्टरनेट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर मॉडर्न साइट का स्ट्रक्चर क्या होता है कॉलेडियल सॉल्यूशन और मैकेनिकल मिक्सचर कॉलेडियल सॉल्यूशन लाइक सीमेंटाइट एंड फेराइट दे आर मिक्स मैकेनिकली बीसीटी स्ट्रक्चर ये जो बेनाइट है ना बेनाइट जो बेनाइट है ये भी अल्फा एंड एफ थ्री सी का फेस मिक्सर है बेनाइट कोई फेस नहीं है ये फेस मिक्सर है अल्फा और एफ थ्री सी का पर इसमें जो जो माइक्रोस्ट यहां पर जो एफ थ्री इट वाज़ ए वेरी सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर प्लेट 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 पर यहां पे ऐसा नहीं है जिसला के एसिक्यूलर थिंग टोटली रैंडम स्केटर्ड एसिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सीमेंटाइट इन द मैट्रिक्स ऑफ एराइट टोटली हिट्रोजीनियस एक बात ध्यान रखना बेनाइट की सारी प्रॉपर्टी मार्टनसाइट और पेरालाइट के बीच में रहती है बेनाइट की सारी प्रॉपर्टी पैरालाइट और मार्टेनेसाइट के बीच में रहती हैं। मार्टेनेसाइट इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल पैरालाइट्स आर सॉफ्ट डक्टाइल। बेनाइट 50-50। बेनाइट इज़ ऑलवेज़ 50-50। 20-25 साल पहले एक बिस्किट का ऐड आया करता था। ब्रिटेनिया 50-50। दूध या दूध दे रहा है, तो अंदर से ग्रहणी बोलती है अरे भैया ये दूध है या पानी फिफ्टी फिफ्टी तो सिमिलरली बेनाइट फिफ्टी फिफ्टी या मुजम्बिल क्या कह रहा है हेलो सर दैट अ पैरालाइट इज प्योरली डिफ्यूजन एंड बेनाइट इज पार्शियली डिफ्यूजन करेक्ट बिल्कुल सही बोला था मुजम्मिल मेरे को छोड़ेगा नहीं <laughs> ये हमेशा नेचुरल क्लास में ड्रग करने की कोशिश करेगा <laughs> कोई बात नहीं कोई नहीं आई विल टेल यू आई विल यू टू बी फ्रैंक बुद्यू उसे स्किप करने वाला था मैं पर मुजम्मिल ने पूछ लिया है ठीक है ना हाँ देखो मुजम्मिल को मुकम्मिल बना देते हैं मुजम्मिल को मुकम्मिल बना देते हैं <laughs> देखो ऐसा होता है एक होता है पियरलाइट दूसरा होता बेनाइट और तीसरा होता है मॉडर्नसाइट तीसरा होता है साइट <laughs> नहीं कोबर नहीं कोबर नहीं ये जो पैरालाइट फॉर्मेशन होता है इट्स प्योरली बाय डिफ्यूजन देखो कैसे हो रहा है ये ऑस्टेनाइट था 0.8 परसेंट कार्बन अपॉन कूलिंग इट इज कन्वर्टिंग इनटू एल्फा एंड एफ थ्री एल्फा मीन पॉइंट जीरो टू परसेंट कार्बन एंड एफ थ्री सी ए सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट कार्बन है कि नहीं तो होता क्या है होता क्या है के कार्बन तो इंटर स्टीशियल है ना जैसे आयरन है और उसकी इंटर स्टीशियल साइड पर कार्बन पड़ा हुआ है कार्बन एंड नाइट्रोजन आर द इंटर स्टीशियल इंप्योरिटीज है कि नहीं है तो कार्बन यहां से यहां डिफ्यूज होगा यहां से यहां डिफ्यूज होगा और ये बन जाएगी यहां से यहां यहां से सब कार्बन का कार्बन डिफ्यूज हो रहा है तो ये प्लेट बन जाएगी 6.67 परसेंट कार्बन दैट इज एफ्री और जहां से डिफ्यूज हो रहा है वो बन जाएगा अल्फा तो जो पैरालाइट फॉर्मेशन है ना कार्बन मूव्स सेवरल एटॉमिक डिस्टेंसेस टू फॉर्म ए सिस्टमेटिक एल्फा एफ्री सी एल्फा एफ्री सी प्योरली डिफ्यूजन मार्टनसाइड इज अथर्मल अथर्मल इज आल्सो कॉल्ड नॉन डिफ्यूजनल अथर्मल इज कॉल्ड नॉन डिफ्यूजनल जिसमें कार्बन मूव्स ओनली फ्रैक्शन ऑफ एटॉमिक डिस्टेंसेस फ्रैक्शन ऑफ एटॉमिक डिस्टेंस मतलब देखो मार्डर्नसेट कैसे बना शॉक आपने इतना रैपिडली कूल cool किया बिकॉज डिफ्यूजन को थोड़ा टाइम चाहिए निकलने के लिए डिफ्यूजन को एक्म्प्लिश होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए पर आपका कूलिंग रेट इतना फास्ट है कार्बन सोच रहा था अरे मेरे साथ कुछ हो रहा है मैं क्या करूं मैं यहीं पर रहूं बाहर जाऊं कार्बन को इतना परेशान कर दिया वो इधर तो क्या कर रहा हूं उससे ओ, जिससे पहले कि कार्बन को डिसीजन ले पाए आपका टेम्परेचर आ गया रूम टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर पर तो डिफ्यूजन होता नहीं है तो कार्बन मूव्स ओनली द फ्रैक्शंस ऑफ एटॉमिक डिस्टेंस जस्ट टू चेंज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर फ्रॉम एफ सीसी टू बी सी टी एंड माइक्रोस्ट्रक्चर नाला एक लड़का कैसे हुआ कैसे हुआ टेम्परेचर आपका साढ़े पांच सौ से नीचे है पर ऑफ कोर्स 220 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है मतलब डिफ्यूजन भी ज्यादा नहीं है पर एक फैक्टर होता है ड्राइविंग फोर्स मैं इसकी प्लीज ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इट विल टेक फोर्स जितना टेम्परेचर कम होगा ड्राइविंग फोर्स उतना ही ज्यादा होता है तो आयरन पर ड्राइविंग फोर्स लग रहा है डिफ्यूजन कम है कार्बन कार्बन निकल, निकलना नहीं चाहता तो, आयरन अरे निकल तू अनस्टेबल है निकल ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है अरे नहीं सोने दे यार तो होता क्या देर विल बी स्लिपिंग एंड कार्बन बी फोर्स कम आउट सो देर इज अ शेयर सो देर इज अ रीजन बेनाइट इज पार्टली शेयर एंड पार्टली डिफ्यूजन ठीक है जय जय शिव शंकर लाइन एंट्रेंस ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर बताऊंगा ऐसे में ठीक है ना हाँ? मैं बताऊंगा ऐसे अभी रुक रुक जाओ, जाओ अरे जय जा जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकड़ हैं हाँ? बिल्कुल सही है मुजम्बिर <laughs> चलो 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 आगे चलते हैं <laughs> तो ये अब दोबारा से टीटी टी डायग्राम देख लेते हैं भाइयों भाइयों और बहनों अगर मेरा कूलिंग कर्व ऐसे है तो ये देखो जीरो परसेंट डिकम्पोजिशन था ये हंड्रेड परसेंट डिकम्पोजिशन था ठीक है अगर 50 परसेंट डिकम्पोजिशन की लाइन खींचू तो कुछ ऐसे आएगी ठीक है यानी जो हमारा कूलिंग कर्व है वो नो से ऊपर घुस रहा है नोज से ऊपर घुस रहा है तो ऑस्टोनाइट विल स्टार्ट डिकम्पोजिंग इनटू पैरालाइट क्योंकि नो से ऊपर घुस रहा है क्योंकि कूलिंग कर्व 50% परसेंट डिकम्पोजिशन लाइन को टच कर रहा है तो यहां पे 50% परसेंट पैरालाइट बन जाएगा तो 50% परसेंट डिकम्पोजिशन लाइन को टच कर रहा है उसके बाद सारी डिकम्पोजिशन लाइन डाइवर्ज हो रही हैं, तो 50% परसेंट ऑस्टनाइट विल रिमेन इन द माइक्रोस्ट्रक्चर तो यहां तक ये यह 50 परसेंट ऑस्टनाइट है जो बचा हुआ ऑस्टोनाइट था इट विल ट्रांसफॉर्म इन टू मार्टनसाइट हियर तो यहां पे बनेगा आपका 50 परसेंट पैरालाइट एंड 50 परसेंट मार्टनसाइट अगर कोई एक माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होता है दोबारा चेंज नहीं होता वो जो चारों लाइन है टीटी टी, -टी, -टी डायग्राम पे स आर ओनली फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑस्टनाइट इन टू समर माइक्रोस्ट्रक्चर बस और एक बार माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज हुआ फिर दोबारा चेंज नहीं होता है एक बच्चा पूछ रहा था कि यह कोर्स पैरालाइट क्या होता है ये पैरालाइट है ना ग्रेन uh, बाउंड्री बहुत कम है यह आपका कोर्स स्ट्रक्चर क्योंकि इसमें ग्रेन बाउंड्री बहुत कम है ग्रेन बाउंड्री है इसमें देखो ये रही ग्रेन बाउंड्री है कि नहीं ठीक है अगर ग्रेन बाउंड्री ज्यादा हो ग्रेन बाउंड्री ज्यादा हाँ इसको बोलेंगे फाइन स्ट्रक्चर और हर ग्रेन के अंदर पैरा होगा देखो ऐसे करके ये आपका आ गया फाइन पैरालाइट फाइन पैरा आर स्ट्रांग एज वेल एज डक्टाइल and the course structures are tough. Course structures are tough. अरे जय जय शिव शंकर clear हो गया चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा देखो bachcho ऐसा है ये मार्टन साइट स्टार्ट है मार्टन साइट फिनिश है सब लोग ध्यान से देखो फॉर यूटक्टॉइड स्टील एम एफ लाइन है 110 टेन डिग्री सेंटीग्रेड पे और एमएस लाइन है 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये यूटेक्टोइड कंपोजिशन के लिए ठीक है अगर आप स्टील को किसी एलोई से मिक्स करेंगे किसी फॉरेन एलिमेंट से मिक्स करेंगे और लडर से कार्बन परसेंटेज चेंज की अगर कार्बन परसेंटेज भी चेंज की तो एम और एम एफ लाइन की पोजीशन चेंज होती है MS और की पोजीशन चेंज होती है या तो आपने परसेंटेज कार्बन चेंज किया माइल्ड स्टील से मीडियम कार्बन स्टील हाई कार्बन स्टील और या फिर एलोई डाल दिया मैगनीस मोलडनम क्रोमियम निकल उससे एम और एमएस की पोजीशन uh, चेंज होती है ठीक है ना फॉर हाइपर हाइपर यूटकटॉइड स्टील फॉर हाइपर यूटकटॉइड स्टील मतलब परसेंटेज कार्बन मोर देन पॉइंट एट परसेंट उसमें एक देखिए यूनिक चीज होती है हाइपर यूटेक्टोड स्टील के केस में एक यूनिक चीज आती है यह टीटीटी डायग्राम में जो एम एफ लाइन है ना यह तो एम एस है जो एम एफ लाइन है इट इज लेस देन जीरो डिग्री सेंटीग्रेड हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के केस में आ, ये जो एम एफ लाइन है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आती है तो अगर इसे मैंने क्रिटिकल कूलिंग रेट से ज्यादा से क्वेंच किया क्रिटिकल कूलिंग रेट से ज्यादा कूलिंग रेट से क्वेंच किया टू रूम टेम्परेचर यह हमारा रूम टेम्परेचर है यह हमारा रूम टेम्परेचर है तो पता है क्या होगा हंड्रेड परसेंट विल नॉट कन्वर्ट इंटू मार्टेनाइट। हंड्रेड परसेंट विल नॉट कन्वर्ट इंटू मार्टेनाइट। और कुछ मार्टनसाइट बचा रहेगा ऑस्टेनाइट कुछ बचा रहेगा गेट मार्टेनाइट प्लस कुछ ऑस्टेनाइट बचा रहेगा क्योंकि हंड्रेड परसेंट मार्टेनाइट मार्टनसाइट में कम कन्वर्ट होगा जब एम एफ लाइन से नीचे जाएगा है ना तो जो बचा हुआ ऑस्टेनाइट है उसे बोलते हैं हम रिटेन ऑस्टेनाइट। उसे बोलते हैं रिटेन्ड ऑस्टेनाइट। ये गेट में भी पहले एक बार आ चुका है हमें रिटेन्ड ऑस्टेनाइट मिलेगा सिर्फ हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील में ठीक है या ब्रह्मानंदम क्या सर वो टफ एंड स्ट्रांग में अयो रामा ब्रह्मानंदम ब्रह्मानंदम अरे मैं हूं ना सबको सॉल्व करेंगे आपकी कोई भी डाउट हो सबको सॉल्व करेंगे देखो अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखें ब्रह्मानंदम ही हैविंग रिकॉर्ड

जब भी हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं इट मींस द यील्ड स्ट्रेंथ और जब भी हम टफनेस की बात करते हैं इट मींस इट्स द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेंकर ठीक है ना वेरी गुड वेरी गुड <laughs> और जब भी हम डक्टिलिटी की बात करते हैं वो क्या होता है टोटल एलोंगेशन टू फ्रैक्चर तो देखो इस पे आओ फाइन स्ट्रक्चर्स आर स्ट्रांग एंड डक्टाइल अगर मैं कहूं स्ट्रांग एंड टफ तो देखिए ये भी हो सकता है ये टफ है ज्यादा है पर उतना डक्टाइल नहीं है ये डक्टिलिटी ज्यादा है टफनेस टफनेस तो एरिया है ना ब्रह्मानंदम ठीक है hmm. <laughs> <laughs> हाँ आर्ट्स में पीएचडी कर रही अब इंजीनियरिंग में करने वाले हैं इंजीनियरिंग में गेट से आईआईटी से एमटेक करेंगे ब्रह्मानंदम गारू <laughs> चलो ये हो गया ठीक है रिलैक्स रिलैक्सो मोटो वर्ल्ड नाम क्या है आपका आ? ये जो क्रायोजेनिक ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टोराइट भी देखिए ये जो मार्टन साइट है ना ये जो मार्टन साठ है ये इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट फेज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट फेज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट फेज जब रिटेनड ऑस्टोनाइट बना तो जनरली वो माइक्रोस्ट्रक्चर को कमी यूज नहीं कर सकते हम तो हाइपर यूटेक्टोइड स्टील को मैं हंड्रेड परसेंट मॉडर्न बनाने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में डुबो दूंगा लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर इज मच लेस एम एफ एम एफ तो इट विल कन्वर्ट इनटू हंड्रेड परसेंट मॉडर्न एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रायोजेनिक ट्रीटमेंट ऑफ मेटेरियल मुजम्बिल हाँ आंध्र तेलंगाना में बहुत लंबे लंबे नाम होते हैं एक मेरा फ्रेंड है उसका नाम पता क्या वक्कालाका सत्या वेंकटा वीरभद्रेश्वर स्वामी वक्कालाका सत्या वेंकटा वीरभद्रेश्वर स्वामी भाला लंबा नाम है, है? <laughs> ओके चलो 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 आगे चलते हैं ये जो हीट ट्रीटमेंट है ना ये जो हीट ट्रीटमेंट है चलो साउथ इंडिया में लोग अच्छे होते हैं एक्चुअली अगर आपको जॉब मिले ना प्रीफर हैदराबाद और विशाखापट्टनम, वेरी गुड प्लेसेस टू स्टे विशाखापट्टनम का वेदर थोड़ा प्रॉब्लम है, हैदराबाद वेरी गुड वेदर पीपल आर गुड हियर वेरी गुड वेदर क्लीन वेदर

ए बहुत लंबा नाम होगा कोटेश्वर राव का बता रहा हूं ए, ए पूरा नाम लिख के बताना जरा या वी कैन डू इट अरे जय जय शिवशंकर ऑस्ट्रोनॉट में अप टू 2.1 परसेंट कार्बन कैन बी अकोमोडेटेड सी आयरन कार्बन फेज डायग्राम सी आयरन कार्बन टू टू पॉइंट परसेंट क्या बात कर रहे हैं ऑस्ट्रोनॉट में एट इलेवन डिग्री सेंटीग्रेड टू एक कोटेशन राताना ना चेटबॉक्स में क्या नाम है पूरा आपका ना <laughs> ये जो हीट ट्रीटमेंट है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके ऊपर पिछले दस सालों में गेट में दो या तीन बार क्वेश्चन टपक पड़े हार्डनेबिलिटी कर्व्स हार्डनेबिलिटी कर्व्स हार्डनेबिलिटी कर्व्स ठीक है अब ये क्या है जस्ट अ मिनट एक एक-एक मिनट भाई उधर बैक एंड देयर इज अ मैसेज हां ए बैक एंड देयर बिकॉज़ आवर बैक एंड पीपल आर वेरी गुड व्हाटएवर दे आस्क बेसिकली यू नो आई गिव देम प्रॉम्प्टली पी डब्ल्यू बैक एंड टीम शिव शंकर यस सर बट इट्स एफ सी सी स्ट्रक्चर फर एट इज बी सी सी नाउ इट कैन बी डन शिव शंकर आप ये टेलीग्राम में पूछो या फिर गेट के बाद अभी आप गेट गेट में फोकस करोगे अगर मैं घुस गया इसमें रेगुलर बैच में अगर आप होते ना तो मैं बाल की खाल निकाल के आपको समझाता हूँ इन चीज़ों को पर इसमें फास्ट ट्रैक में अफोर्ड नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली बेटा ठीक है ना किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर अब मैं एनकरेज करता हूँ ऐसे क्वेश्चन पूछें आप रेगुलर बैच में पर यहां पे मेरा फोकस बहुत क्लियर है ठीक है ना hmm. देखो ऐसा होता है हार्डनेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं हार्डनेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं इट्स ईज ऑफ मार्टेनासाइट फॉर्मेशन मतलब मार्टेनासाइट बनाना कितना इजी है मार्टेनासाइट को बनाना कितना इजी है दैट इज कॉल्ड हार्डनेबिलिटी मार्टन साइट को बनाना मार्टन साइट को बनाना कितना इजी है कितना इजी है अगर ज्यादा इजी है हार्डनेबिलिटी इज बेटर अगर डिफिकल्ट है हार्डनेबिलिटी इज लेस जितना इजी होगा साइट को बनाना हम कहते हैं हार्डनेबिलिटी इज बेटर ठीक है ना तो हार्डनेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए देर इज वन टेस्ट कॉल्ड जॉमिनी एंड क्वेंच टेस्ट जॉमिनी एंड क्वेंच टेस्ट जोमिनी एंड क्वेंच टेस्ट ये जोमिनी एंड क्वेंच टेस्ट क्या होता है आप एक सैंपल लो आप एक सैंपल लो और इस सैंपल को हीट करो 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस सैंपल को थोड़ा एक हिंच पे लटका दो ऐसे करके गरम करके एक हिंच पे लटका दो एक पे हिंच पे लटका दो ठीक है ना एंड फ्रॉम बॉटम पानी का फवारा छोड़ो अलाउ द वाटर टू हिट द बॉटम पार्ट ऑफ द सर्फेस देखो यहां पर ये वाला जो सरफेस है इट इज ऑब्जर्विंग द क्रिटिकल कूलिंग रेट बेटा मैं एक चीज भूल जाऊंगा मैं आप ना क्यों ये सेक्शन में नहीं पढ़ा रहा आप एक चीज ध्यान रखना क्योंकि देर इज वन प्रोफेसर

कोर्स एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज बिग पर उसे इसको चर पढ़ के जाओ जरा एफ डी एम स्टेयर थ्री डी एंड सिक्स डी ये थोड़ा सा ये करके जाना बस इतना सा करो करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इसे जरूर देख के जाना मुझे लग रहा है कि अगर एडिटिव का क्वेश्चन आया तो यहां से आएगा ठीक है ना इसे देखना बेटा, ठीक है ना इस बार आईएससी एस सी तो ये वाला बॉटम पार्ट जो है इस पर मार्टन सेट बन जाएगा क्योंकि इट विल बी एक्सपीरियंसिंग द क्रिटिकल कूलिंग रेट एक्सपीरियंसिंग द क्रिटिकल कूलिंग रेट और जब हम इससे दूर जाते जाएंगे लाटा से दिस डिस्टेंस इज एक्स जब हम दूर जाते जाएंगे तो कूलिंग रेट कम हो रहा है तो कूलिंग रेट कम हो रहा है तो अस से 30 परसेंट पैरालाइट सेवेंटी परसेंट यानी पैरालाइट बनना शुरू हो जाएगा ठीक है ना यहां पे 50% परसेंट एंड परसेंट मार्टेनसाइट, और यहां पे लोजी 100% परसेंट पैरालाइट बन गया तो हम जब एंड से दूर जाते जाएंगे ना पेरालाइट का परसेंटेज बढ़ता रहेगा पेरालाइट का परसेंटेज बढ़ता रहेगा फ्री एंड से ये डिस्टेंस फ्री एंड से कौन से माइक्रोस्ट्रक्चर पे जहां 50 परसेंट पैरालाइट और 50% परसेंट हो उसको बोलते हैं जोमिनी डिस्टेंस उसको बोलते हैं हम जॉमिनी डिस्टेंस और जॉमिनी डिस्टेंस बताती है कि उसकी हार्डनेबिलिटी क्या होगी जॉमिनी डिस्टेंस ज्यादा है हार्डनेबिलिटी बेटर होगी जॉमिनी डिस्टेंस कम है हार्डनेबिलिटी पुअर होगी तो देखो ये मार्टनासाट जो है ये बहुत हार्ड है है ना पैरालाइट सॉफ्ट है तो कॉन्डर पे मटेरियल बहुत हार्ड होगा और इसकी हार्डनेस इधर डिक्रीज करेगी इसकी हार्डनेस इधर डिक्रीज करेगी तो अगर मैं एक कर्व खींचू अगर मैं एक कर्व खींचू बिटवीन हार्डनेस एंड डिस्टेंस एक्स क्या है फ्री एंड से हम कितना दूर जा रहे हैं हार्डनेस कम होगी डक्टिलिटी बढ़ेगी तो देखो कर्व जो आता है, कुछ ऐसा करवाता आता है इस कर्व को बोलते हैं हम हार्डनेबिलिटी कर इस कर्व को बोलते हैं हम हार्डनेबिलिटी कर और इज जोमिनी डिस्टेंस ठीक है अगर किसी मटेरियल के लिए कर्व इधर शिफ्ट होता है इट मींस हार्डनेबिलिटी इज बेटर हार्डनेबिलिटी इज बिकमिंग बेटर अगर किसी मटेरियल के लिए और किसी कंपोजिशन के लिए कर्व अगर इधर शिफ्ट होता है सो पुअर और हार्डनेबिलिटी पुअर और हार्डनेबिलिटी तो हम चाहेंगे कि कर्व इधर शिफ्ट हो इन कर्व्स को बोलते हैं हम हार्डनेबिलिटी कर्व्स ठीक है ना चलो हार्ड नहीं बोले ठीक है एक मिनट रुको ओके हाँ मोर जेडी मोर जीन घनी घनी एक रेगुलर बैच में एक लड़का था बहुत इंटेलिजेंट लड़का था बहुत वेरी वेरी रिमोट प्लेस ऑफ कश्मीर कश्मीर से आगे कहीं था वो वेरी इंटेलिजेंट वाई फॉर ने मैचले तो होपफुली इसकी अच्छी रैंक गेटर रैंक आएगी आ, बहुत अच्छी गेट रैंक आएगी मुझे लगता है उसकी बहुत ही वॉज अ वेरी शार्प फेलो पता नहीं कौन से बैच में था एक नॉट फ्रॉम श्रीनगर एंड ऑल द श्रीनगर से काफी रिमोट में था एक्चुअली वो हजरा रखते हजरा नहीं नहीं रखते हजरा नहीं था उसका नाम कुछ और था एक्चुअली रखते हजरा तो आई नो ही बेसिकली इज द इंटेलिजेंट बट आई नो एक और स्टूडेंट का नाम स्लिप हो गया चलो नाव नेक्स्ट इज एनिलिंग एनिलिंग हा मे बी हो सकता है एक्चुअली तीन चार बैच पढ़ा है मैंने इस साल चार बैच है अप्रोक्सीमेटली उसमें से किसी एक बैच में था आपको कश्मीर के काफी बच्चे थे वॉज वेरी शॉर्फ हेलो वेरी शॉर्फ हेलो जफर मकबूल नजर मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बोल रहे हो खयात खयात या नजर क्या इन्हीं दौरों में से कोई था शायद वो करेक्ट बिल्कुल सही बोल रहे हो खयात था या फिर जफर करक्ट जैसे वर्कबुक में बच्चे रेस्पॉन्ड करते हैं ना मुझे लग रहा था कि बच्चा शार्प है और मुझे ऐसा फेथ है ता नहीं क्यों क्योंकि हजारों बच्चे पढ़ाए हमने एक्चुअली इसमें चारों बच्चों में हजार टोटल मेरा आके बहुत ज्यादा बच्चे थे उजेंड प्लस टोटल इफ आई कंबाइन एवरी थिंग और मुझे ऐसा लगता है कि टॉप फिफ्टी में आठ से दस मिनिमम रैंक आएंगे उसमें से क्यों मैं चौबीस साल से पढ़ा रहा हूं ना मैं? मुझे लग रहा है कि टॉप फिफ्टी में दस से पांच पंद्रह रैंक आज जरूर आएंगे उसमें से हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट एनीलिंग देखो एनीलिंग क्या होता है आपको आवाज़ तो नहीं आ रही कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी का वो वो शुरू हो गया है भोंपू स्पीकर होपफुली दिस इज वेरी यूनि डायरेक्शनल मेरे को डिस्टर्बेंस हो रहा है पर आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा होगा शायद बिकॉज आई थिंक सम पॉलिटिकल पार्टी देर इज इलेक्शन ना प्रांजल बेटा इसमें तीन चार प्रांजल थे उसमें एक तो एक्चुअली लड़की थी और दो तीन लड़के थे उसमें <laughs> 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 भी अच्छा लगा था वो भी think, वो भी रैंक निकालेगा पांडे वो भी रैंक निकालेगा रैंक काफी बच्चे निकालेंगे तो आ, पर प्राउड मत होना कि मेरे को सब कुछ आता है नंबर टू भजन करके जाना मॉर्निंग अगर मुस्लिम है तो मॉर्निंग नमाज पढ़ो जरा डेली मेरा पूरा पैकेज लो मैं बता देता हूँ भैया आ जाएगा तो ऐसा मत अरे मेरा तो रैंक आ गई ऐसा नहीं होता आपको कंसिस्टेंटली मैं आपकी पॉसिबिलिटी है टीम इंडिया के जीतने की पॉसिबिलिटी थी फाइनल में हार गई ना इसलिए ऑन द रॉयल रोड देर में पूरा पैकेज फॉलो करो ठीक है ना ये आपका देखिए आयरन कार्बन फेस डायग्राम था एनिलिंग देखो बहुत तरीके की होती है एनिलिंग बहुत तरीके की होती है बहुत तरीके की और हमने क्लास में पूरा डिसमेंटल किया अलग अलग एनीलिंग्स के बारे में अगर कोई जनरल ये चीज पूछता है वट इज द पर्पज ऑफ एनिलिंग आप ध्यान से सुन रहे हो ना क्योंकि अब आगल, अगले आधा घंटे में मैं बहुत कुछ निटी ग्रिटी डिटेल्स बताने वाला हूं आपको ध्यान से सुनना आप सब लोग ठीक है ना टाइप ऑफ एनिलिंग नहीं दी जनरल पूछा है एनिलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है डायरेक्टली आंसर मारो इंक्रीजिंग द डटिलिटी पर्पस ऑफ एनिलिंग इज टू मेक द मेटीरियल सॉफ्ट एंड इनक्रीज द डिटी ठीक है पर अगर टाइप ऑफ एनिलिंग दे रखी होती है, होती है स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनिलिंग इज हैविंग सम ऑब्जेक्टिव टू फुलफिल बेटा आधा घंटे आप बहुत केयरफुल रहना क्योंकि बुक्स से पढ़ेंगे तो बहुत कन्फ्यूज कन्फ्यूज़ हो जाएंगे क्योंकि टीचर आर वेरी कन्फ्यूज सो केयरफुली क्योंकि रेगुलर क्लास नहीं है फास्ट ट्रैक कोर्स है रेगुलर क्लास में हमारे पास हमारे पास टाइम होता है यहाँ पर टाइम नहीं है तो इसलिए आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा पहली होती है फुल एनिलिंग और मैं क्या सजेस्ट करूंगा ये आधा घंटे वाला कैप्सूल है ना उसे दो तीन बार देखना है। क्योंकि फास्ट ट्रैक है इस आधा घंटे वाले सेक्शन को कम से कम दो तीन बार देखना एक बार दिसंबर में देखना एक बार जनवरी में देखना गेट से एक हफ्ते पहले भी देखना ठीक है ना जैसे मैंने आपको परसों के लेक्चर में बताया था द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन होती है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ठीक है तो हाइपो यूटेक्टोइड स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हीट करते हैं अराउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड और हाइपर यूटेक्टोड स्टील को क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हीट करते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड अब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर उसके बाद फर्नेस कूलिंग करते हैं उसके बाद फर्नेस कूलिंग करते हैं स्लो कूलिंग तो मेरा टीटीटी डायग्राम क्या बता रहा है स्लो कूलिंग विल प्रोड्यूस कोर्स पेरालाइट तो रिजल्टिंग माइक्रोस्ट्रक्चर फुल एनिल का होगा कोर्स पेरालाइट मतलब टफनेस ज्यादा होगी इसकी कोर्स पर राइट ठीक है नाउ सेकेंड टाइम ऑफ टाइप ऑफ एनिलिंग इज अ प्रोसेस एनिलिंग ये प्रोसेस एनिलिंग करते हैं हम सिर्फ लो कार्बन स्टील की और किसी मटेरियल की हम नहीं करते प्रोसेस एनिलिंग हम करते हैं सिर्फ लो कार्बन स्टील की और किसी मटेरियल की कतई नहीं करते क्योंकि मीडियम एंड हाई कार्बन स्टील ये ब्रिटिल होते हैं एक्सेसिव कोल्ड वर्किंग देर विल बी फ्रैक्चर हम प्रोसेस एनिलिंग क्यों करते हैं आपने लो कार्बन स्टील को एक्सेसिवली कोल्ड वर्क किया हुआ है तो ग्रेन बाउंड्रीज पे एक्सेसिव डिसोकेशन पाइलअप है ग्रेन बाउंड्री पे देर इज एक्सेसिवली डिसलोकेशन पायल उसकी वजह से कभी कभी ब्रिटल फ्रैक्चर होता है उसकी वजह से कभी कभी ब्रिटल फ्रैक्चर होता है उसको अवॉइड करने के लिए लो कार्बन स्टील को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक हीट करो कूल करो जिससे कि जो पायल अप खत्म हो जाए सो द परपस ऑफ प्रोसेस एनिलिंग इज स्ट्रेस रिलीविंग और इसका टेम्परेचर ये होता है देखो ये ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है एंड दिस टेम्परेचर विल बी लो लोअर देन द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्यों तो 725 है अराउंड uh, so, <laughs> होता है सिक्स थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड सिक्स थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड तो ध्यान रखना बेटा इसका ठीक है ना तीसरा होता है एस्फर एनिलिंग एस्फर एनिलिंग और स्परडाइज एनिलिंग हम करते हैं मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील की स्परडाइज एनिलिंग हम करते हैं मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील की क्योंकि मटेरियल बहुत हार्ड है ये मटेरियल बहुत हार्ड है इनकी मशीनिंग थोड़ी दिक्कत होती है तो इनकी मशीनेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए मशीनेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हम स्प्रोडिलिंग करते हैं <laughs> और इसका टेम्परेचर देखो यहां पर होता है यह वाला इस का इसका कूलिंग रेट बहुत स्लो होता है अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर वेरी स्लो कूलिंग तो स्ट्रक्चर में स्प्रॉइड्स आ जाते हैं दे आर वेरी डक्टाइल एंड मटेरियल स्पर मीडियम और हाई की करेंगे किसके लिए मशीनबिलिटी इंप्रूव करने के लिए किसके लिए मशीनबिलिटी इंप्रूव करने के लिए एक स्पेसिफिक एलिंग का एक स्पेसिफिक पर्पस है आप इसे भूलना मत प्लीज मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है आज के लेक्चर से एक घंटा पंद्रह मिनट ऑलरेडी लेक्चर हो गया है आज के लेक्चर से मुझे लग रहा है कुछ एक क्वेश्चन आएगा गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए थोड़ा केयरफुली बेटा थोड़ा केयरफुली चौथा टाइप की एलिनिंग होती है डिफ्यूजन एलिनिंग डिफ्यूजन एलिनिंग ये डिफ्यूजन एनिलिंग हम कभी कब कभ, कब कभ करेंगे जब मटेरियल में बहुत ज्यादा नॉन होमोजिनिटी होगी जब मटेरियल में बहुत ज्यादा नॉन होमोजेनिटी होगी बहुत ज्यादा नॉन होमोजेनिटी होगी अलग अलग जगह पर अलग अलग मटेरियल। तो इसमें क्या करते हैं हम मटेरियल को बहुत हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं अराउंड 1150 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर पर लेके गए हमने हाई टेम्परेचर क्यों सेलेक्ट किया हमने हाई टेंपरेचर क्यों सेलेक्ट किया बिकॉज हायर इज द टेम्परेचर डिफ्यूजन फिनोमिना विल बी मोर फिनाइट अरे पता नहीं मेरा स्किन ब्लैक हो जाता है कभी बिल्कुल पूरा ऐसे क्या हो जा रहा है आपका भी होता क्या है क्या कल भी ऐसा देगा टोटल ब्लैक हो जाता है कभी कभी उसके बाद आता है पता ना आयरन हो तो आ, आपके सही एंड पर सही चल रहा है सब कुछ ऑडियो वीडियो क्योंकि यूट्यूब में थोड़ा सा रिसेप्शन अलग होता है मेरा ज़रा बताना सब सही चल रहा है ना तो फीडबैक में कभी कभी हाँ क्लियर चल रहा है बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहा है ठीक है ठीक है गुड 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 ओके ऑल क्लियर ठीक है बस यही देखना चाहता था मैं क्योंकि उसमें तो मेरे पास ऐप का जो रेगुलर क्लासेस में आता है कुछ ठीक है ना पर इसमें थोड़ा सा स्लाइटली uh, डिफरेंट शिवशंकर नो <laughs> शिवशंकर में क्या चल रहा है सब ठीक है आ, अब ऑल क्लियर है बाकी सब बच्चे ऑल क्लियर है तो होमोजोनाइज द केमिकल कंपोजिशन सो द केमिकल कंपोजिशन इज द पर्पज ऑफ इज द पर्पज ऑफ डिफ्यूजन एनीलिंग ठीक है ना नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड आइसोथर्मल एनिलिंग थिंग कार्ड आइसोथर्मल एनिलिंग यह आइसोथर्मल एनिलिंग क्या होती है ये टी 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 डायग्राम है ना अगर मैं इसे कंट्रोल रेट से कूल cool कर रहा हूं तो फर्नेस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो मैंने क्या किया 750 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने इसमें अपर रीजन में क्वेंच किया और उसके बाद इस आइसोथर्मली मैंने टेंपरेचर मेंटेन किया और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो देन यू कैन हैव एयर कूलिंग बिकॉज वंस द डिक्पोजिशन है फर्दर स्ट्रक्चर चेंजेस विल नॉट हैपन तो आइसोथर्मल जो एनिलिंग होती है इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव टू प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस पैरालाइट और इसमें पता है इसका एक इसकी ब्यूटी क्या है इसकी ब्यूटी क्या है ग्रेन्स आर मोर यूनिफॉर्म ग्रेन्स आर मोर यूनिफॉर्म तो तब हम उसे आइसोथर्मल एनिलिंग करेंगे बाकी एनिलिंग प्रोसेस में अरे खयात भी यहां पे है खयात आप कश्मीर से ही हो ना नहीं खयात कश्मीर से नहीं है ख्यात तो गुजरात से है ये जो कच्छ से है खयात अरे भी इंटेलिजेंट का खयात कच्छ से है कच्छ है ना हाँ कच्छ से है तो मेरे याद है अभी हाँ ठीक है <laughs> ओके आइसोथर्मल एनिलिंग न स्पेरोडाइटिंग स्फेरोडाइट एनिलिंग स्फेरोडाइट एनिलिंग हम क्या कब यूज करते हैं टू इंक्रीज द डटिलिटी ऑफ पैरालाइट तो पेरालाइट इज अ पैरालाइट एजटरनेट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर एल्फा एफ सी एल्फा एफ्री सी तो जो एफी थ्री सी था ना जो एफ्री सी था उसमें स्फोराइड्स बन गए, पर इसके लिए आपको एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी इसके लिए आपको एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी कौन सा कैटलिस्ट मैग्नीशियम और सीरियम कैटलिस्ट लाइक मैग्नीशियम और सीरियम तो आप ये ध्यान रखना ये कौन सी एनलिंग का परपज क्या होता है मैं क्या रिकमेंड करूंगा ये जो स्लाइड है ना इसका स्क्रीनशॉट लेके कहीं दीवाल वगैरह पर रख दो गेट तक इसका स्क्रीनशॉट लेके कि दीवार वगैरह पर चिपका लो रियली <laughs> really, भाई गॉड मजाक नहीं कर रहा हूं इस टाइम पे ठीक है एनी नॉर्मलाइजिंग सिंह क्या होता है हाँ, जैसे आयरन कार्बन डायग्राम एक बच्चन ने रंगोली बना दी थी उसकी <laughs> दीपावली पे। ये आपका आयरन कार्बन फेस डायग्राम है नहीं बहुत अच्छी चीज है अपने ऑफिस में मैंने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है तो मेरी जो मीटिंग्स होती हैं और जो भी होते सब उस पर पूरा भरा होता है बोर्ड पे मेरे को मालूम पड़ता है कि कहाँ पे क्या क्या करना है क्योंकि आप तो अभी ऑफिस नहीं है आपका ना आप तो स्टूडेंट हो इसलिए रूम में जो की चीज है ना चिपका दो उस पर बोर्ड रूम पे पेरेंट्स से बोलता तो भैया थोड़ा मेरे को कॉपरेट करो <laughs> क्या पेरेंट चिल्लाएंगे क्या दीवार खराब करता रहता है तो थोड़ा सा एक रूम है ऐसा करो जिससे आपको एक झटके में रिवीजन हो जाएगा सारा ठीक है तो ये नॉर्मलाइजिंग क्या होती है आप मेटेरियल को इस रेंज में हिट कर रहे हो देखो ये वाला रीजन ये गामा है ना एल्फा एल्फा प्लस एफ ये आयरन कार्बन डायग्राम है तो हीट करो एंड देन एयर क्वेंच ऑस्ट्राइट से आप एयर क्वेंच कर रहे हो तो होगा क्या कि जो सैंपल है ना उसके सरफेस पर आपको मिलेगा फाइन स्ट्रक्चर एंड टुवर्ड सेंटर सेंटर स्ट्रक्चर कोर्स होता जाएगा कोर्स <laughs> होता जाएगा ठीक है ना हाँ ना हार्डनिंग देखिए हार्डनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है हार्डनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है हार्डनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या, क्या होता है आपने ऑस्ट्रेट लिया आपने ऑस्टोनाइट लिया और उसे कूल किया एट ए रेट इक्वल टू अ ग्रेटर देन क्रिटिकल कूलिंग रेट इक्वल टू और ग्रेटर देन क्रिटिकल कूलिंग रेट तो ऑस्टोनाइट कौन से फेस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मार्टनसाइट ऑपन कौन से फेस में ट्रांसफर हो जाएगा मार्टन साइड नॉर्मलाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है जी हमें हार्ड सरफेस और टफ कोर मिलती है ये ऑब्जेक्टिव है नॉर्मलाइजिंग का हमें हार्ड सरफेस चाहिए और कोर टफ चाहिए पाणी जी ठीक है ना आनंदामबुदी वर्धनम प्रतिपदम मता स्वाधनम सर्वात्मना परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम पांडे जी आनंद आनंदुदी वर्धनम आनंद पांडे ऑब्जेक्टिव ऑफ अब हार्डनिंग इज टू प्रोड्यूस मार्टन ऑब्जेक्टिव ऑफ हार्डनिंग इज टू प्रोड्यूस मार्ट एन अट अब देखो इसके लिए कुछ हमारे क्वेंचिंग मीडियम होते हैं कुछ क्वेंचिंग मीडियम होते हैं जो फास्टेस्ट कूलिंग हमें प्रोवाइड करता है वो ब्राइन सॉल्यूशन करता है फास्टेस्ट कूलिंग प्रोवाइड करता है हमें ब्राइन सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है उसके बाद होता है वाटर को एन से ऐड कर दो इट आल्सो गिव्स ए वेरी गुड कूलिंग रेट ठीक है देन हमारे पास ऑयल होते हैं ऑयल प्रोवाइड्स ए वेरी यूनिफॉर्म कूलिंग बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कूलिंग रेट्स आर स्लो ऑयल इज अ वेरी गुड क्वेंचिंग मीडियम बट प्रॉब्लम क्या है कूलिंग रेट्स आर स्लो तो इसलिए हम ऑयल बात यूज करते हैं सिर्फ एलोई स्टील के लिए ऑयल बात यूज करते हैं हम सिर्फ अलॉय स्टील के लिए क्योंकि अलॉय स्टील में एलोई स्टील में स्लो कूलिंग रेट से भी मार्डर्न सेट बन जाएगा पर आपने आपका डिस्प्ले हो रहा है आयुष पांडे आनंद पांडे अरे दो-दो हैं इसमें तो फिफ्टी 53 मेरे में 53 थ्री फिफ्टी में फिफ्टी में तो एक मैंने कट रखा है 52 लोगों में से दो पाड़े हैं पांडे इज वेरी पॉपुलर है आउट ऑफ 52 टू हाँ पर बिल्कुल सही बोल रहे हैं पांडे आयुष पांडे और आनंद पांडे का नाम अनुराग पांडे है ओके एंड देन एयर एयर जनरली क्रिटिकल कूलिंग रेट प्रोड्यूस नहीं करती ये तो हमारे हैं नॉर्मल ठीक मीडिया नॉर्मल क्वेंचिंग मीडिया देखो कभी कभी हम क्वेंचिंग मीडिया कुछ स्पेशल क्वेंचिंग मीडियम होते हैं लाइक ग्लास मोल्टन ग्लास सारे पांडे हैं नीरज नीरुला पांडे कहा है <laughs> निराला है एक होती है प्लास्टिक प्लास्टिक का बाथ भी यूज होता है तो ग्लास और प्लास्टिक पता है हम कब यूज करते हैं जब हमें हॉट बाथ चाहिए एट हाई टेम्परेचर वेन एवर आई नीड ए हाई टेम्परेचर बात लाइक फॉर मार टेम्परिंग और ऑस टेम्परिंग आई नीड ए हाई टेम्परेचर बात उसमें बात जो है या तो ग्लास का होगा या प्लास्टिक का होगा ठीक है ना या तो बात हमारा ब्रह्मानंदम अच्छा पुराना क्वेश्चन था कैटलिस्ट क्यों यूज करते, है? करते हैं क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैटलिस्ट ओनली वी विल गेट इट स्ट्रक्चर अदरवाइज वी विल नेवर गेट इट इसलिए कैटलिस्ट यूज करते हैं ठीक है ना नाओ नाओ ये जो ये मार्टन शर्ट बनाना सिर्फ मीडियम कार्बन स्टील का बनेगा लो कार्बन स्टील एंड वेरी हाई कार्बन स्टील डू नॉट रेस्पॉन्ड टू दिस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या पता है क्या

और जब भी हम यूटक्ट कंपोजिशन से डिविएट होंगे वी विल गेट प्रो यूटक्ट फेस जब भी हम यूटक्ट कंपोजिशन से डिविएट होंगे वी विल गेट प्रो यूटेक्ट फेस एंड द प्रो यूटक्ट फेस डू नॉट कंट्रीब्यूट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ मार्ट सो लो कार्बन steels कैन नॉट बी treated. रुचि गुप्ता जो मैं पढ़ा रहा हूं इसरो के लिए थोड़ा कम है ये हमने इसरो में काफी पढ़ा है इसके लिए उसमें इसरो में आपको पॉलीमर्स कंपोजिट सीरास ग्लास एवरी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको जो मैंने इसके लिए सेपरेट लेक्चर लिया है ना रुचि ओके तो अब लो कार्बन स्टील तो हीट टीट हो ही नहीं सकता ये टेक्निकल फॉल्ट है तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम जाते हैं केस हार्डनिंग पे उसके लिए जाते हैं हम केस हार्डनिंग पे और बच्चों देखो ऐसा है केस हार्डनिंग इज अ बिग टॉपिक मैं जैसे मैंने पहली शीट बनाई थी ना ऐसी शीट यहां बना रहा हूं उसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके दीवार पे चिपकाना है आपको पेरेंट्स को ये मत बताना कि मैंने बताया आपके पेरेंट्स मेरे को गाली देंगे क्या दीवार खराब करवाते रहते हो बच्चों से नीरज निराला हार्डनिंग ऑली हार्डनिंग हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस आर टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज ओके ना नहीं गेटोपीरिया दो सिलेबस बिकॉज ये गेट में भी नहीं है देखो ये जो इसरो में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा नैनो मटेरियल्स नैनो मटेरियल्स पॉलीमर्स सिरामिक्स कंपोजिट्स एंड करोजन ये छोटे छह छोटे छोटे टॉपिक है ईएस का सिलेबस भी है और इसरो का सिलेबस भी ये गेट में नहीं है तो गेट ऑफी डी में भी नहीं है ठीक हाँ। है ना हाँ रुचि क्या है उसमें एक्चुअली मैंने सेपरेट डे तो छोटा मोटा लेक्चर थोड़ी है ये छह टॉपिक विल टेक अराउंड थर्टी आवर्स टीचिंग <laughs> इट्स अ वेरी बिग पढ़ लो बुक से पढ़ लो मैंने अपनी बुक में पूरा दे रखा तो लोग ऐसा ना, मैं आपको पर बना रहा हूँ क्लिक करके लगाना है ठीक है ना अब देखो केस हार्डनिंग बहुत तरीके की होती है बन सके में ज्यादा डिटेल, डिटेल में नहीं जाऊंगा ये फास्ट ट्रैक कोर्स है मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी मैं आपका कम समय में ज्यादा भला करना चाहता हूं ये केस हार्डनिंग बवाल क्या होता है लड़ाई से माइल्ड स्टील स्पेसीमैन है तो मैं सिर्फ सरफेस की हार्डनेस को टिंकर कर रहा हूं आई एम टिंकरिंग ओनली द हार्डनेस ऑफ सरफेस कोर को टच ही नहीं कर रहा मैं सिर्फ इस हार्डनेस को अल्टर कर रहा हूं और जितनी हार्डनेस में अल्टर कर रहा हूं उसको बोलते हैं हम थिकनेस ऑफ केस जितनी हार्डनेस को मैं अल्टर कर रहा हूं उसको बोलते हैं हम थिकनेस ऑफ केस रुचि गेट मैंने यहां में पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ा मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में गेट का सिलेबस नहीं है मेरी बुक में देख लेना ऐसे ठीक है ना बुक में पूरा दे पूरा सिस्टम ओके ना केस हार्डनिंग इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स पहला होता है कार्बोनाइजिंग ये कार्बोनाइजिंग क्या होती है जो भी मैं इस स्लाइड पे लिख रहा हूं सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है सारा डेटा इंपॉर्टेंट है आपको रिमेंबर करना है अह नहीं ब्रिटल मटेरियल विल ऑलवेज बी हार्ड बट नॉट वाइस वर्सा हार्ड मटेरियल नो नीड दैट इट विल बी ब्रिटल <laughs> आप पीछे पड़ गए होए पीडीएफ नहीं मिलेगा था नरोसा पब्लिकेशन आउ सकता कि ठोक देगा बता वो <laughs> कार्बराइजिंग क्या होता है अगर मैंने परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दी सरफेस पे परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दी सरफेस पे उसको बोलेंगे कार्बोराइजिंग अब ये तीन तरीके से होती है एक होती है पैक कार्बोराइजिंग मतलब एक बॉक्स लिया आपने माइल्ड स्टील स्पेसिमेंट डाले और कार्बोराइजिंग मिक्सचर डाला कार्बोराइजिंग मिक्सचर क्या होता है चारकोल प्राइमरली चारकोल कैल्सियम कार्बोनेट बेरियम कार्बोनेट ठीक है ना और हीट किया ये मैनुअल प्रोसेस है कार्बन डिफ्यूज हो गया और उसके बाद निकाल लो उसे ठीक है ना पैक कार्बोराइजिंग दूसरी होती है लिक्विड कार्बोराइजिंग उसमें डाइल्यूट सोडियम साइनाइड होता है कंसंट्रेटेड सोडियम साइनाइड विल प्रोड्यूस साइनाइडिंग ठीक है तो लिक्विड उसमें भी हीट करते हैं तीसरा है गैस कार्बोराइजिंग गैस कार्बोराइजिंग क्या होता है कंटेनर होता है और उसमें से हॉट सी एच फोर गैस सर्कुलेट करते हैं और तीनों का टेम्परेचर होता है नाइन फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड तीनों में तो सी एच फोर से कार्बन डिफ्यूज होने लगता है उसमें यह प्रोसेस ऑटोमेट की जा सकती है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बाई दिस चीपेस्ट इज पैक चूज अकॉर्डिंग टू तो अवर कन्वीनियंस दूसरा होता है नाइट्राइडिंग नाइट्रेटिंग क्या होता है लिक्विड वाला क्या नंबर है? भाई देखो ऐसा है आ, ये ना ये नंबर बच्चों को देता नहीं अब टेलीग्राम चैनल है उसमें क्या कम्युनिकेट करो क्योंकि चक्कर में भजन पूजन करने वाला आदमी हुए मैं तो मैं जल्दी से होता हूँ और ना सिर्फ ऑफिस में जो चार लोग हैं मतलब लिमिटेड लोगों को जैसे कहना मेरा पीसफुल अदा हर टाइम फोन रिंग करेगा व्हाट्सएप रिंग करेगा मैं भजन करने में दिक्कत होती है इसलिए जो इस्टेब्लिश लोग हैं जो ना उनको नंबर देता हूँ क्यों वो समझते हैं मेरी रिक्वायरमेंट अगर एक बार बच्चों का नंबर चला गया तो नहीं सब उल्टे सीधे मैसेज वगैरह ये है आई वांट टू अवॉइड ऑल दिस टू बी फ्रैंक विद यू आई डोंट वांट टू हैव व्हाट्सएप फेसबुक ए नथिंग क्योंकि अब इतना सारा ये चीज़ें जॉब सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स है आई हैव टू बी आई डोंट वॉन्ट टू हैव इविन फ्सो बट विना उसके काम ही नहीं चलेगा बिकॉज प्रोफेशनल जिस दिन मैंने रिटायरमेंट लिया मैं सब कट कर दूँगा ये मैं सिर्फ भजन करूँगा ये नॉन सेंस है एक्चुअली यूट्यूब वट्स ये नॉन सेंस है अगर मैंने रिटायरमेंट लिया ये सब कट ऑफ कर दूँगा उसके बाद यू विल नॉट नेवर सीन मी ऑन एनी सोशल मीडिया इट इज़ अ वे टू बेसिकली कनेक्ट स्टूडेंट्स देर प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व एन ऑल दैट बट आई डोंट लाइक दिस थिंग्स ये भजन में डिस्ट्रक्शन होता है इससे चलो मैं एक्चुअली नोट्स भिजवाता हूं टेलीग्राम चैनल रहो सब कुछ कराता हूं, ठीक है नाइट्राइटिंग क्या होता है मैं उसमें नाइट्रोजन घुसा रहा हूं कैसे बाई अमोनिया एट 650 डिग्री सेंटीग्रेड अमोनिया सेम ना चैंबर है उसमें हाई टेम्परेचर अमोनिया तो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है <laughs> एग्जाम में टेंपरेचर थोड़ा ऑफ भी हो सकता है टेंपरेचर थोड़ा ऑफ भी हो सकता है प्लीज बी केयरफुल ओके ना नाउ साइनाडिंग साइनाडिंग में क्या होता है डिफ्यूजिंग बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन डिफ्यूजिंग बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन इनटू द माइल्ड स्पेसिमेन कैसे करेंगे यहां पर डायलूट सोडियम है अरे बहुत तेज कर दिया उन्होंने ये स्पीकर चला दिया उन्होंने इलेक्शन है यहां पर थर्टी ना बहुत तेज स्पीकर चला दिया उन्होंने होपफुली यू आर एबल टू हियर माय वॉइस क्लियरली एट लीस्ट तो इसमें क्या करते हैं इसमें होता, होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम सैनाइड पर टेम्परेचर डिफरेंट होता है एट डिग्री सेंटीग्रेड बच्चों आपको याद रखना है याद रखना है जो चीज डेटा लिख रहा हूं पर मैं तो उसमें क्या होगा बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन डिफ्यूज इन टू द माइल्ड स्टील स्पेसिमेन देन चौथा होता है कार्बोनाइट्राइडिंग कार्बोनाइट्राइडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड गैस साइन इसमें टेम्परेचर सेम होता है 850 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस चेंबर में हम अमोनिया एंड सी दोनों गैस सर्कुलेट करते हैं हम नाइट्राइडिंग प्रोड्यूसेस प्रोड्यूस हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट केसेस तो देखो ये नाइट्राइडेड केसेस विल बी हार्डेस्ट साइनाइडिंग हार्डनेस विल इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन ये बहुत फ्रीक्वेंटली आता है एग्जाम में क्यों इसके बारे में ट्रैक कोर्स में कभी डिस्कस नहीं करेंगे हम ठीक है ना आ, मैं एक्चुअली अपना वो, आ, जो पुराने नोट्स हैं वो भेज भेज दूंगा ठीक है ना कोई नहीं सर, सर करना ऑफिस जाने के बाद यहाँ दस बजे आपकी क्लास खत्म करने के बाद ऑफिस जाऊंगा तो आपको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा ठीक है ना नोट्स जो भी अब, पुराने नोट्स जो भी अवेलेबल हैं ओके नाउ नेक्स्ट इज फ्लेम हार्डनिंग ये फ्लेम हार्डनिंग माइल्ड स्टील के लिए नहीं होती ये किसके लिए होती है मशीन बैट्स मशीन बैट्स क्योंकि कास्थायरन का होता है तो इसमें क्या करते हैं हम ऑक्सीडाइज फ्लेम लेते हैं ऑल दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइज फ्लेम्स और हीट किया इमीडिएटली क्वेंच कर दिया इसमें कोई कार्बन नाइट्रोजन ऐड नहीं हो रहा फ्लेम हार्डनिंग इज मैंट फॉर मशीन बैट्स देन इंडक्शन हार्डनिंग ंडक्शन हार्डनिंग बाई द वे इंडक्शन हार्डनिंग इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ केस हार्डनिंग पर होती है माइल्ड स्टील uh, की नहीं होती, ये की होती है क्रैंक स्मॉल गेयर आर हार्डन बाई दिस टेक्निक इसमें क्या होता है इंडक्शन होती है और इधर होता है आपका ऑयल बात तो इसमें यहां पे स्पेसिमेंट इंडक्शन कॉयल से पास करते हैं स्पेसीमेंस वी आर पासिंग थ्रू द इंडक्शन कॉइल तो पता क्या ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट्स सरफेस में हीट डेवलप होगी इमीडिएटली वी विल क्वाइंस टू प्रोड्यूस मार्टनेस एट ऑन द सर्फेस तो जो ये थिकनेस ऑफ केस लेटर्स एक्स दिस इसका फॉर्मूला होता है और इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद रखना है फाइव थाउजेंड अंडर रोड रो बाई मू एफ एक्स इज द थिकनेस ऑफ केस एफ इज द फ्रीक्वेंसी रो इज द रजिस्टिविटी एंड म्यू इज द मैग्नेटिक परमिबिलिटी मैग्नेटिक परमेबिलिटी तो यानी थिकनेस ऑफ केस कैन बी चेंज बाई चेंज इंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन हा मुजम्बेल थैंक्स फॉर दैट ठीक है ना यह शीट बहुत इंपॉर्टेंट है हाड़ने का पूरा लेखा एक शीट में चलिए पूरा एक शीट में ठीक है।, है ये रेगुलर बैच में हमारा सिस्टम थोड़ा होता है चलाने का ठीक है पर एक क्रैश ये फास्ट ट्रैक कोर्स है बुलेट ट्रेन देखा आपने लोगों बुलेट ट्रेन लगी हुई है ना द लास्ट बट नॉट द लीस्ट अ टेम्परिंग टेम्परिंग Uh, देखो टेम्परिंग क्या होती है हार्डनिंग uh, के बाद आपका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या है मार्टेनासाइट ऑन मार्टनोसाइट्स आर एक्सट्रीमली ब्रिटिल मटेरियल्स एक्सट्रीमली ब्रिटिल मटेरियल्स तो हम जनरली उसे डायरेक्टली कहीं यूज नहीं कर सकते हैं पर्पस ऑफ टेम्परिंग इज पर्पस ऑफ टेम्परिंग इज टू रिड्यूस द ब्रिटेलनेस ऑफ मार्टनसाइट एंड इंट्रोड्यूस टफनेस टू रिड्यूस ब्रिटिलनेस ऑफ मार्टनसाइट एंड इंट्रोड्यूस टफनेस इन द मटेरियल. तो देखो इसका टेम्परिंग तीन तरह की होती है एक होता हाई टेंपरेचर टेम्परिंग तो ऐसा आपका मार्टन साइट बन गया आपका स्टार्टिंग माइक्रो स्ट्रक्चर मार्टन साइट है उसको हीट करो 500 टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर साफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस टेम्परेचर पर हीट करो तो पता क्या होगा जो सीमेंट टाइट है ना सब माइक्रोस्कोपिक सीमेंटाइट वो कंबाइन होकर थोड़ा कोर्स स्ट्रक्चर बन जाएगा

मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग इसमें जो हीटिंग होती है इट इज बिटवीन 350 फिफ्टी टू फाइव डिग्री सेंटीग्रेड क्योंकि टेम्परेचर कम है डिफ्यूजन कम होगा टेम्परेचर कम है तो डिफ्यूजन कम होगा तो जो सीमेंट uh, है इट विल बी ऑन ए फाइनल लेवल कंपेयर टू सॉरबाइट और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रूस्टाइट

बिकॉज सॉर्ट्स कैन टेक अप इंपैक्ट लोडो दिज सॉरबैड एंड ट्रू स्टाइट आर कॉल्ड मॉन्सर वीडमांसान स्ट्रक्चर टेम्परिंग तो ये यू कैन से फास्ट ट्रैक के कोर्स में हमने फास्ट ट्रैक हीट ट्रीटमेंट देखा अब इसके थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ही है एक्चुअली अब क्वेश्चन देखते हैं मेरे को आंसर चाहिए आपके चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में आंसर चाहिए मेरे को बताओ चैटबॉक्स में आंसर चाहिए को। मेरे को तीन चार चार पांच क्वेश्चन है अन्य कर लेते हैं ये एमएस क्यू है बिल्कुल सही है ए बी डी एनीलिंग सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस नहीं है एबीडी ठीक है गुड मैच द फॉलोइंग बताओ मैच द फॉलोइंग बताओ मेरे को आंसर चाहिए चैट बॉक्स में टेम्परिंग क्वेंचिंग एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग स्थैंड हार्डनिंग एंड सॉफ्टनिंग हम क्वेंचिंग क्यों करते हैं फॉर हार्डनिंग टू प्रोड्यूस मार्टन सॉट स्ट्रक्चर तो क्यू का थ्री होना है ये नहीं हो सकता एनीलिंग uh, हम क्यों करते हैं फॉर सॉफ्टनिंग करेक्ट तो आर एस का फोर हो गया नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं हम उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए क्यों नॉर्मलाइजिंग किया ऑन द सर्फेस देर फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर्स आर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथनिंग के लिए करते हैं तो आंसर आ गया आपका ए मैं दोबारा से बता दूंगा इस लेक्चर से मुझे लग रहा है क्वेश्चन आएगा एक तो थोड़ा ठीक से देखना आप ठीक है जॉमिनी एंड क्वेंटेस्ट या सब लोग सही बता रहे हो हार्डनेबिलिटी विदाउट एनी थॉट सेकेंड थाट करो ये सब क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं क्योंकि आप अटेंटिव रहेगा थ्रू आउट द क्लास या ब्रह्मानंदम भी इजी ही क्वेश्चन आएंगे गेट में भी इजी <laughs> क्वेश्चन आएंगे बस आपको मालूम पूरा आपकी साइंस मालूम होनी चाहिए आपको क्वेश्चन इजी ही होंगे बताओ वेरी गुड वेरी गुड सब कुछ ठीक चल रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है थिक स्किन ओ अच्छा ये रिपीट हो गया क्या अच्छा रिपीट हो गया एक्चुअली कोई बात नहीं टेंग इंडसिंग टफनेस ओके ना क्वेंचिंग हार्डनेगा रिपीट हो गया एक्चुअली है ना रिपीट हो गया शायद करेक्ट इसे बताओ जिस द लास्ट क्वेश्चन जिस द लास्ट क्वेश्चन समझ के अरे क्या कर रहे हो लोग क्वेश्चन ठीक से पढ़ो ना अरे अरे भाई ऐसे मत करो ना अरे ऐसे मत करो ठीक से क्वेश्चन करो ऐसे मत करो क्या कर रहे लोग अरे क्या कर रहे हो पांडे विश्वदीप विवेक कर क्या रहे हो आप लोग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस क्या कर रहे हो अरे भैया नॉर्मलाइजिंग है तो नॉर्मलाइजिंग में ये आपका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है अब बताओ ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है अरे हमेशा टेम्परेचर तो एबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ही रहेगा ना एंड उसे एयर क्वेंचिंग करेंगे हम फर्नेस कूलिंग थोड़ी करेंगे फर्नेस कूलिंग की तो एनिलिंग होगा वो अरे भैया फर्नेस स्कूलिंग की तो एनिलिंग हो गया एयर क्वेंचिंग करेंगे तब नॉर्मलाइजिंग होगा सिया आंसर क्या लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा आप प्रॉब्लम होगी आपको ऐसा नहीं चलो हमने प्राइमरली आज क्या क्या देखा हमने आ, टी 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 डायग्राम के बारे में बात की फिर हम हार्डनेबिलिटी टर्म्स देखी और उसके बाद फिर हीट ट्रीटमेंट देखा हमने तो ये लेखा जोखा है हमारा ये आज का लेक्चर था टुमारो इज लास्ट मेटीरियल साइंस लेक्चर उसके बाद हम फॉर्मिंग पे आएंगे वी विल गो एज पर द शेड्यूल दैट आई हैव पुट इन द टेलीग्राम चैनल टिल सी यू टुमारो थैंक यू वेरी मच सी यू टुमारो 8 एम थैंक यू वेरी मच